जरूर जरूर। जय श्री राधा। देखिए कर्मी का फल तो भोगना पड़ता है। हमारे संत कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कर्मी आप अगर जैसा कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। कबीर करनी आपनी कबहू न निष्फल जाए, सात समुद्र आना पड़े मिले अगारू आए। कई जन्म बीत जाए जो करनी हमने की है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और तुलसीदास जी भी कहते हैं अपने सुंदर शब्दों में, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जो जस कर ही। अच्छा एक मैं कथा सुनाता हूं। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं, आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे कि कर्ता कोई और है भर्ता कोई और है। कुछ लोग कहते हैं और देखा भी होगा, किसी ने किसी को किसी की हत्या कर दी, नाम किसी का आ गया, जेल में हो गया, उसको भोगना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो उसको आप कहते हैं कि उसका कोई दोष नहीं था फिर भी उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि जो करता है वही भरता है। अगर वो गया है उसके बदले दूसरा गया है, उसका भी कोई ना कोई प्रारब्ध होगा जो उसे आज जाना पड़ा, और जिसने किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। एक होता है कर्म, भी तीन प्रकार के होते हैं कुलदीप भैया। एक कर्म होता है क्रियमाण कर्म। बोले क्रियमाण कर्म कैसा होता है? एक होता है सिंचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म कैसा होता है? हमने अभी कोई भी कर्म किया उसका फल तुरंत मिलेगा। हमने लाइट का तार पकड़ लिया उसका फल मिलेगा तुरंत, वो तो करंट मारेगा। आग में पैर रख दिया उसका फल तुरंत मिलेगा। अगर हमने कोई जहर की यानी कोई टिकिया खा ली तो तुरंत फल देगी वो, तो वो इंतजार नहीं करवाएगा। जो तुरंत फल मिल जाए उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। अच्छा दूसरा होता है सिंचित कर्म। जो कर्म आज आपने किया है उसका कुछ दिनों बाद ही आपका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? जैसे आपने गेहूं के दाने ले जा करके अपने खेत में बो दिए, अच्छा उसका फल चाहोगे? अभी बो दिए हैं और इसका फल शाम को मिल जाए या कल मिल जाए वो तो नहीं मिलेगा। अभी गेहूं बो दिए उसको सींचना पड़ेगा, उसकी नराई बुवाई जो भी कुछ है उसको साफ करना पड़ेगा, उसमें जल समय समय पर जल देना पड़ेगा। चार महीने बाद आपको गेहूं पककर तैयार हो जाएगा, तब आपको उसका फल चार महीने बाद मिलेगा, वो भी भगवान की इच्छा होगी तो, नहीं तो आंधी तूफान कुछ आ गया तो खेल खत्म ही हुई, उसमें भी प्रभु की इच्छा होगी। तो केवल कर्म करते रहो, फल देना उसके हाथ में। लेकिन ये सिंचित कर्म है, आज करोगे कुछ दिनों बाद प्राप्त होगा। एक होता है प्रारब्ध, जो कर्म आज हमने किया है वो अगले जन्म में जाकर के आपको मिलेगा। बहुत से लोग देखे होंगे आपने दिन रात पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बहुत है। तो आप ऐसा मत सोचना कि उल्टा कार्य कर रहा है फिर भी पैसा बहुत है तो ये कार्य हमें भी चालू करना चाहिए, भाई ये तो दो नंबर का कार्य कर रहा है इससे फल अच्छा मिल रहा है तो हम भी करें। लेकिन दो नंबर के कार्य करने से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा तो उसके प्रारब्ध से मिल रहा है, लेकिन जो अभी जो कार्य गलत कर रहा है उसका फल उसको अगले जन्म में जाकर के भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में जाकर के वही व्यक्ति भले ही खूब पूजा पाठ करे, खूब भगवान की कथा सुने, लेकिन वो गरीब का गरीब नहीं रहेगा। हाँ उसे उसके जीवन में ऐसा नहीं कि भगवान दान मूर्ति तो देंगे, लेकिन ज्यादा पैसे वाला नहीं बन पाएगा। क्यों? आप बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत पूजा पाठ करता है फिर भी दुखी रहता है हमेशा, कहीं कोई बीमारी लग गई, कहीं कहीं गरीब है, कहीं कुछ है, पैसा नहीं है, कहीं किसी से मांग रहा है, कहीं कोई परेशानी। तो हमें लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल अभी नहीं मिल रहा है, वो प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा कितने भी धर्म कर लो। तो जो प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ता है।
अच्छा एक बात बताओ, ये भी कहते हैं कि जो करता है वही भोगेगा कि दूसरा भोगेगा। हमने अपने परिवार के लिए झूठ बोल करके, चोरी करके, जुआ खेल के, कुछ भी करके हमने जो पैसा कमाया और सारे परिवार का पालन किया, उसका भोग कौन भोगेगा? अगर हमने गलत कार्य किया है तो उसका फल किसे मिलेगा? परिवार को नहीं मिलेगा, वो तुम्हें ही मिलेगा। क्योंकि परिवार तो तुम्हारे सारे हैं, तुम कैसा कर रहे हो, कैसे कमा के ला रहे हो, वो केवल जिम्मेदारी आपकी है। और आप कर्म कैसा करके लेके आ रहे हो, मेहनत करके ला रहे हो कि दो नंबर का करके, कि चोरी करके फिर ला रहे हो, वो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें भोगना पड़ेगा ना। तुम्हारे खानदान वालों ने ये तो नहीं कहा कि तुम चोरी करके हमको खिलाओ, ये कहा कि हमें खिलाओ, कैसे भी खिलाओ। एक व्यक्ति जा रहा है, छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, एक महात्मा जी ने सुनाई थी। रास्ते से गुजर रहा है, उसको बहुत जोर से भूख लगी, रास्ते में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, आम के पके हुए आम लगे हैं। अच्छा, आंख की नजर गई, जैसे ही आंख ने देखा कि आम बड़ा पका है, तो आंख ने तो देखा, बोले आम तो पका है लेकिन आम पका मिलेगा कैसे? बोले आम पेड़ के पास चलकर जाना पड़ेगा। तो आंख ने तो देखा लेकिन चलकर गए पैर, देखा आंख ने चलकर पैर गए, अब पैर चलकर तो पहुंच तो गए, पैर ने हाथ से कहा मैं केवल तुझे यहां तक ले आया, अब ऊपर को हाथ बढ़ाओ। देखा आंख ने चलकर गए पैर, और तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ ने तोड़ा तो क्या हाथ ने आम को रखा? नहीं रखा। बोले रखा किसने? बोले आनंद किसने लिया, उसका स्वाद किसने लिया? बोले जिज्ञासा ने। अच्छा, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथ ने, और स्वाद लिया जिज्ञासा ने, और जिसने स्वाद लिया उसने भी रखा नहीं, उसने भी पेट को दे दिया। कहां गया? पेट में गया। अच्छा, स्वाद कब तक रहा? जब तक जिज्ञासा पड़ता था, और अंदर गया तो उसको क्या खाया क्या नहीं खाया, पेट में गया। अब पेट के अंदर चला गया, तब तक माली ने देखा। माली ने देखा कौन? बोले साहब हमने एक आम तोड़ा है। माली ने उठाया डंडा और पीठ पे जोर से मारा धाम से। अब बताओ पीठ का क्या दोष था? देखा आंख ने देखा, चलकर गए पैर, तोड़ा हाथ ने, स्वाद लिया जिभ्या ने, रखा पेट में, और मार किसने खाई? पीठ ने। अब बेचारी पीठ का तो कोई दोष नहीं, न उसने कहा कि तुम आम खाओ, लेकिन जब पीठ में डंडा पड़ा तो रोया कौन? आंख रोई, क्योंकि जो पाप किया है उसने तो किया था, क्योंकि दूसरे का जो वृक्ष खड़ा है उसमें चोरी से आम तोड़ना, ये सबसे पहले आंख ने तो देखा, रोया कौन? आंख। सबसे पहले पाप किसने किया? आंख ने। जब आंख नहीं देखती, आम का फल दिखाई नहीं देता, तो ये सब होता ही नहीं, ये सब नहीं होता तो पीठ मार क्यों खाती? लेकिन देखा आंख ने, चलकर गए पैर, तोड़ा हाथ ने, स्वाद लिया जिभ्या ने, रखा पेट में, और मार पड़ी पीठ पर। लेकिन जब पीठ पर मार पड़ी तो जब आंसू निकले, कष्ट हुआ, तो आंखों को ही हुआ। मेरे भगवत प्रेमी हो, चाहे कितने भी चक्कर लगा लो, भोग तो भोगना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर अपनी बुराइयां, अपने पाप भले ही थोप दो, भले ही अपने कर्म किसी के ऊपर कह दो कि ये मैंने नहीं इसने किया है, तो दुनिया को तो आप पागल बना सकते हैं, दुनिया को आप झुटला सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है मेरा बांके बिहारी, वहां देर तो हो सकती है, हो सकता है कि आपकी फाइल ऊपर की बजाय नीचे हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होगी, जिस दिन फाइल हाथ में आ जाएगी उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। बोली मां के